बॉलीवुड ने हमें कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, जिनकी कास्टिंग के साथ ही साथ स्टोरी लाइन भी काफी अच्छी होती है, लेकिन इनमें से कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू बिखेर देती हैं और कुछ नहीं बिखेर पाती। ज्यादातर ऑडियंस को एक अच्छी स्टोरी लाइन वाली फिल्म्स ज्यादा पसंद आती है, लेकिन बॉलीवुड की कई फिल्में ऐसी भी हैं जिन फिल्मों की स्टोरी लाइन काफी अच्छी होने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई है। तो आज मैं आपको उन तीन फिल्मों के बारे में बताऊंगी जो बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई। टॉप 3 फ्लॉप फिल्म्स में से एक फिल्म है ट्रैप। फिल्म ट्रैप की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग है और साथ ही राजकुमार राव की एक्टिंग भी काफी अट्रैक्टिव है, जो दर्शकों को आखिर तक जोड़े रखती है। फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.5 रेटिंग मिली है, वहीं रोटेन टमाटोज पर फिल्म 85% फ्रेश है। लेकिन फिल्म ट्रैप्ड बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर पाई। अच्छी स्टोरी लाइन होने के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। वहीं दूसरी फिल्म हार्दिक मेहता द्वारा निर्देशित हर किस्से के हिस्से कामयाब को IMDb पर 10 में से 7.8 रेटिंग मिली। फिल्म ने संजय मिश्रा की एक्टिंग का तो जवाब ही नहीं। फिल्म में एक रिटायर्ड एक्टर की कहानी पर आधारित है। फिल्म काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी यह फिल्म लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाई और टॉप फ्लॉप लिस्ट में शुमार हो गई। तीसरी और आखिरी फ्लॉप फिल्म है नंदिता दास द्वारा निर्देशित फिल्म मंटो। साल 2018 में आई नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मंटो राइटर शादत हसन मंटो के जीवन पर आधारित एक बायोग्राफी है। IMDb पर फिल्म को 10 में से 7.3 रेटिंग मिली, तो वहीं रोटेन टमाटोज पर फिल्म 74% फ्रेश है। एक अच्छी बायोग्राफी होने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई नहीं कर पाई। तो ये थी वो तीन फ्लॉप फिल्में जिनकी स्टोरी लाइन काफी अट्रैक्टिव थी, लेकिन ये फिल्म दर्शकों के मन को नहीं भा पाई। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।